वहीं स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति पर आम आदमी पार्टी ने अवैध प्लॉट बेचने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मामला उठाते हुए कहा कि पंजीकृत लोगों से राशि लेकर भी उन्हें प्लॉट क्यों नहीं दिया गया। इस संबंध में एक एलआरटी द्वारा समिति अध्यक्ष राजीव चौबे से शिकायत की गई है। व्यक्ति द्वारा सहकारिता विभाग में इस विषय में शिकायत की गई है। स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दस्तावेजों के साथ राजीव चौबे ने अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से दी। देखिए, इनकी मुख्य शिकायत जो थी वो विश्वतन सिन्हा जी के भूखंड को लेकर है। एक पत्र विश्वतन सिन्हा जी ने मुझे जनवरी 2022 में दिया, इसमें उन्होंने लिखा है कि समिति द्वारा वर्ष 1980 में प्लॉट आवंटन के लिए पंजीयन कराया गया था तो आवेदक का नाम उसकी सूची में संख्या क्रमांक 1962 है, लेकिन 1980 से लेकर आज दिनांक तक समिति द्वारा आवेदक को इस संबंध में ना कोई सूचना दी गई ना प्लॉट के आवंटन की कोई जानकारी दी गई। 1980 से 2022 42 वर्ष होते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि संस्था का पंजीयन जो है वो नवंबर 1980 में हुआ। उस समय संस्था के पास भूखंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई सदस्यता प्रदान नहीं की गई थी 1980 में। एक तो ये पत्र उन्होंने जो दिया है उन्हीं का पत्र है, इसमें उन्होंने शायद गलती से उन्होंने 1980 लिख दिया हो। इसके बाद जो आरोप इन्होंने कल पत्रवार्ता में लगाए हैं उसमें उनका कहना है कि वर्ष 2000 में विश्वरतन सिन्हा के नाम पर पंजीयन, उनके पिता एएन सिंह द्वारा वर्ष 2000 में अपने बेटे विश्वरतन सिन्हा के नाम पंजीयन करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सहकारिता अधिनियम में या हमारे बायलॉज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई पिता अपने पुत्र के नाम का पंजीयन करवाए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बालिग है तो वो स्वयं आवेदन करेगा और यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसके पिता के द्वारा आवेदन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा एक कहना ये कि वर्ष 2000 में मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार, क्योंकि उस समय तो मैं यहाँ था नहीं, वर्ष 2000 में तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय हरबंस सिंह द्वारा स्मृति नगर का जो मूल लेआउट है वो तीन भाग में है, सत्यम सेक्टर, शिवम सेक्टर और सुंदरम सेक्टर। 2000 तक सत्यम और शिवम सेक्टर लगभग पूर्णतः विकसित हो गए थे और सुंदरम सेक्टर की भूमि को विकसित करके उसमें भूखंड आवंटन करने की नियत से संस्था द्वारा कुछ व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की गई थी। चूंकि सुंदरम सेक्टर की भूमि जो है वो न्यायालयीन प्रक्रिया में थी, दो संस्थाओं के पास बंधक थी, वो सुंदरम सेक्टर विकसित नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भविष्य में सुंदरम सेक्टर को विकसित करने की नियत से कुछ सदस्यों को सदस्यता प्रदान करके रखी गई थी। इस बीच संस्था के एक सदस्य श्री उमाशंकर शर्मा द्वारा न्यायालय उपपंजक सहकारी सोसाइटी दुर्ग में एक वाद दायर किया और उन्होंने संस्था के ऊपर आरोप लगाया कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भूखंड के बिना काफ़ी लोगों को सदस्यता प्रदान की गई है। न्यायालय उपपंजक सहकारी संस्थाएं दुर्ग के उस आदेश के अनुपालन में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा ऐसे तमाम सदस्य जिनकी सूची निर्माण सिंह जी ने भी सौंपी है, 43-45 सदस्य जो भी थे, इन सभी सदस्यों की सदस्यता न्यायालय के आदेश के अनुसार समाप्त कर दी और इन सभी सदस्यों को सूचित किया गया कि न्यायालय के आदेश अनुसार आपकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, आप चाहें तो अपनी जमा राशि संस्था से वापस ले सकते हैं। इसमें से बहुत से सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पता बदल लिया था और संस्था को उसकी सूचना नहीं दी थी तो उनके पत्र जो है वो वापस आ गए। इस प्रकार 2022 में जब विश्वरतन सिन्हा जी मेरे पास आए तो मैंने उनको बता दिया कि न्यायालय के आदेश से आपकी सदस्यता समाप्त हुई है, अतः आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। और रही बात भूखंड की, तो भविष्य में जब हम सुंदरम सेक्टर को विकसित करेंगे तो ऐसे सभी सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पैसे जमा करके रखे हैं। ये भी उनको मैंने आश्वस्त किया कि भविष्य में संस्था में चाहे कोई भी हो संस्था उनको प्राथमिकता देगी।